हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का न्यू चैप्टर सेंसिविटी एनालिसिस एंड रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। कंसीडर द एलपीपी मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू 4, x2 less than equal to 6, 3x1 plus 2x2 less than equal to 18, x1 x2 greater than equal to 0. Discuss the effect on the optimal solution when the cos vector c 3,5 is changed to 3,1. इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? फर्स्ट इज सिंपलेक्स मेथड से ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम कॉस को चेंज कर देंगे। नाउ मैक्सिमम ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू x1 लेस देन इक्वल टू को हटा के हमने स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर लिए। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 6, 3x1 प्लस 2x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 18, वेयर x3, x4, x5 आर स्लैक वेरिएबल्स फॉर ऑल xi ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ हम टेबल तैयार करेंगे cbb xb x1 x2 x3 x4 x5। यहाँ पे क्या आएगा? स्लैक वेरिएबल x3, x4, x5, cj क्या है हमारा 35000। नाउ x3, x4, x5 का कॉफिशियंट क्या है? 0, 0, 0, तो यहाँ पे 0, 0 आ जाएगा। नाउ इक्वल टू में क्या है? 4, 6, 18, तो यहाँ पे 4, 6, 18। नाउ x1 का कॉफिशियंट क्या है हमारे पास? 1, x2 का 0, x3 का 1, 0, 0। सिमिलरली यहाँ पे x2 का 1 है, x4 का 1, 1, 1, बाकी 0, 3, 2, 0, 0, 1। नाउ zj कैसे फाइंड आउट करते हैं? 0 into 1 प्लस 0 into 0 प्लस 0 into 3 इक्वल टू 0। सिमिलरली 0, 0, 0 आ जाएंगे। नाउ डेल्टा जे zj माइनस cj, 0 minus 3 minus 3, 0 minus 5 minus 5, 0 minus 0 0, 0, 0. नाउ मोस्ट नेगेटिव इज -5, सो x2 एंटर्स द टेबल। नाउ xb अपॉन x2, 4 upon 0 इन्फिनिटी, 6 upon 1, 6, 18 upon 2, 9। सो लीस्ट पॉजिटिव क्या है हमारे पास? 6, तो x4 लीव्स द टेबल। नाउ यहाँ पे हमने 1 बनाना होता है और बाकी जगह 0, इस यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे क्या बनाना है हमने? 0। सो अप्लाई R3 माइनस 2R2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 माइनस 6, 2 जो 12, 18 माइनस 12 इज 6, 3, 0, 0 माइनस 2, 1, और बाकी एज इट इज। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? X2, बाकी सारा एज इट इज। फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, X2 का कॉफिशियंट क्या है? 5, 5 into 6, 5 into 0, 0, 5 into 1, 5, 5 into 0, 0, 5 into 1, 5, 5 into 0, 0, 0 minus 3 minus 3, 5 minus 5, 0, 0 minus 0, 0, 5 minus 0, 5, 0 minus 0, 0, मोस्ट नेगेटिव इज -3, तो x1 एंटर्स द टेबल। नाउ xb अपॉन x1, 4 upon 1, 4, 6 upon 0 इन्फिनिटी, 6 upon 3, 2, सो लीस्ट पॉजिटिव क्या है? 2, सो x5 लीव्स द टेबल। नाउ यहाँ पे हमने 1 बनाना है और यहाँ पे 0। अप्लाइंग R1 माइनस 1 upon 3 R3, R3 अपॉन 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1, 0, 0 माइनस 2 upon 3, 1 upon 3, ये वाली इक्वेशन एज इट इज। 2, 0, 0, 1, 2 by 3 माइनस 1 by 3, और यहाँ पे x1 का कॉफिशियंट क्या है? 3।
नाउ 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. सिमिलरली 3 5 0 3 1. जेड जे क्या कैसे करेंगे, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 1. सो ऑल डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सी 3 5 को चेंज करना है सी 3 1 में. सो 5 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1. सिमिलरली एक्स टू का कोफिशियंट क्या है, 1, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और एक्स वन का कोफिशियंट 3 एज इट इज. बाकी सारा टेबल एज इट इज. नाउ लीस्ट नेगेटिव, हमारा सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या आ रहा है, -1, मीन्स की x4. सो x4 एंटर्स द टेबल. नाउ xb/x4 इज इक्वल टू 2/, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, इक्वल टू 3. 6/1 6, 2/, यहां पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो -1/3, सॉरी इक्वल टू -3. जो माइनस वाली होती है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं. नाउ लीस्ट पॉजिटिव इज 3, सो x3 लीव्स द टेबल. तो यहाँ पे हमारा न्यू टेबल क्या बन गया, यहाँ पे हमने 1 बनाना है, यहाँ पे 0 0. R1 3/2 R1, R2 -3/2 R1, R3 R3 + R2, इन दोनों को ऐड करके हमारा 0 बन जाएगा. सो यहाँ पे क्या आ गया, x4 का कोफिशियंट क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया. नाउ 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बन गया 3 0 0 3/2, 1 -1/3. ना R2 पे कौन सा ऑपरेशन लगाया, R2 -3/2 R1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 0 1 -3/2 0 1/2. R3 + R1, सो x1 2+2 4 1 0, 0+1 1, -2/3 + 2/3 0, 1/3 -1/3 0. सो डेल्टा जे हमारा पॉजिटिव आ गया, हैंस डेल्टा जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर, x1 = 4, x2 = 3, जेड ऑप्टिमल इज इक्वल टू 0 × 3 = 0 प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × 3 12. दो देन 3 + 12 इज 15 हमारा रिक्वायर्ड आंसर. हैंस x1 = 4, x2 = 3, z ऑप्टिमल इज इक्वल टू 15 हमारा आंसर.